So hello everyone, this is Bhavin Shah, and yes, we empower leadership. Last काफी समय से मुझे कुछ questions जो है वो repeatedly मिल रहे हैं, and I thought के वो question अगर मैं video बना के उसका answer दूँ तो शायद हो सकता है कि उनके अलावा भी बाकी काफी सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उनको मैं आज एड्रेस कर पाऊं. सो बेसिकली व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज, काफी लोग रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर पाते. जब बात आती है परफॉर्मेंस की तो वो परफॉर्मेंस के हिसाब से काम नहीं कर पाते. काफी बार ऐसा होता है, चाहे आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, चाहे आप कोई सेल्स की मीटिंग में जा रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो और आप अपने एग्जाम देने जा रहे हो, आपने सोचा था कि ऐसा रिजल्ट्स में लाऊंगा बट नहीं ला पा रहे हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो बट आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप कोई भी सेक्टर में हो, अगर आप स्पीकर हो, अगर आप ट्रेनर हो, आप अच्छी प्रेजेंटेशंस नहीं दे पा रहे हो, आप अच्छी डिलीवरी स्किल्स इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, आपको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं हो रहा. काफी लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि मेरा कम्युनिकेशन तो वैसे काफी अच्छा है बट जब मैं कोई मीटिंग में जाता हूँ या फिर जब मैं कोई प्रेजेंटेशन में जाता हूँ या फिर जब मैं किसी से मिलता हूँ, So, काफी बार ये होता है कि बिकॉज ऑफ मैं काफी बार कॉन्फिडेंट इतना नहीं हो पाता हूं और उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस वहां पे डाउन हो जाता है. सो उसके लिए प्लीज सॉल्यूशन बताइए. तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है. अगर आपको रिजल्ट लाना है, अगर आपको उस चीज में 100% आपको एफर्ट लगानी है और रिजल्ट लाने की मैक्सिमम कोशिश करनी है, तो आप जाने से पहले एक ही चीज कर सकते हो. अगर आप ये करके नहीं गए हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको रिजल्ट मिले. एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मेंटल प्रिपरेशन. आप कितना भी रिसर्च कर लो मीटिंग में जाने से पहले, आप कितना भी कम्युनिकेशन स्किल प्रेजेंटेशन स्किल का प्रैक्टिस कर लो घर पे रह के कहीं पे भी, आप कितना भी उस चीज का रिहर्स कर लो, कितनी भी स्टडी कर लो, बट जब तक आपने आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो, जब तक आप उस चीज के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो, तब तक आप अपने दिल से और दिमाग से एनर्जेटिक नहीं उस चीज के लिए, तब तक आपको वो चीज के रिजल्ट्स नहीं मिल सकते. सिंपल एग्जांपल, जब आप कोई मीटिंग में जा रहे हो, जब आप कभी भी कोई भी कम्युनिकेट, जब आप कभी भी कोई प्रोग्राम करने जा रहे हो, फिर कभी भी आप कोई टारगेट अचीव कर रहे हो, फिर कभी भी आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, किसी के साथ नेगोशिएट कम्युनिकेट कर रहे हो, मैक्सिमम टाइम जब आप प्रॉब्लम यहां आता है, जब आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो तो प्रॉब्लम वहां आता है, आप हमेशा दिमाग में ये सोच के चलते हैं कि सामने वाला जो है उसको मेरे से ज्यादा आता है, ये सामने वाले का कम्युनिकेशन तो देख यार कितना जबरदस्त है, अरे यार सामने वाला सीईओ है, मैनेजर है, ही इज टू गुड लीडर, मैं उसके सामने अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाऊंगा. जब आपने और हमने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है अपनी कैपेबिलिटी पे, तब तक परफॉर्मेंस डाउन होना तब से ही शुरू हो गया है. जब तक हम अपने आप पे डाउट करेंगे तब से परफॉर्मेंस हमारा डाउन होना शुरू हो जाएगा. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटल प्रिपरेशन. अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस चीज को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो या कितना भी परफॉर्मेंस कर लो. तो मैं क्या करता हूं या मैं क्या करता था जब मैं आपकी सिचुएशन में था, तो मैं बड़ा सिंपल काम करता था. मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि क्या रिजल्ट आएगा उस टाइम पे. बेसिकली जब मैं सीख रहा था, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहां पे जाके मैं कैसा परफॉर्म करूंगा. मैं अपने रिसर्च पे तो पूरा मेहनत करता ही था, प्रैक्टिस तो पूरी करता ही था, साथ में मैं 100% मेंटल प्रिपरेशन के लिए जाता था. देखो, एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि हमें हर काम में 100% सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती. जस्ट गिव द एग्जाम्पल, जब सचिन तेंदुलकर होता है, जब वो 16 साल का था, तो उनके टाइम पे कितने ब्रिलियंट बॉलर्स थे डिफरेंट डिफरेंट टीम से, कितनी अचीवमेंट्स थी, और वो एज अ फ्रेशर, जब ऐसा नया एकदम फ्रेश यंग जब क्रिकेटर होके जब जा रहा है ग्राउंड में, जब पहली दूसरी तीसरी मैच में, उसके तो भी कितना प्रेशर होता है, बट सेंचुरी मैदान में लगने से पहले हमेशा सेंचुरी उसके दिमाग में लगती है कि आज तो कुछ भी हो जाए मैं सेंचुरी लगा के जाऊंगा. हाँ, मैदान में जाने के बाद जीरो पे भी आउट हुए हैं, 10 रन पे भी आउट हुए हैं, 50 रन पे भी आउट हुए हैं, 100 रन पे भी आउट हुए हैं, बट अगर आपका मेंटल प्रिपरेशन नहीं है तो 99% टाइम आपका चांसेस है कि आप बिलो 50% में आउट होने वाले हो. जब आपका मेंटल प्रिपरेशन बनता है तो आप 100%
100 क्या T20 मैच में भी 200 रन बना सकते हो. एंड दैट्स व्हाट ऑल अबाउट मेंटल प्रिपरेशन, कि आप मैदान में उतरने से पहले, आप ग्राउंड में उतरने से पहले कितने मेंटली प्रिपेयर्ड हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए. दैट इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू और एनीबॉडी कैन डू. सो थैंक यू सो मच, दिस इज भाविन शाह वंस अगेन. एंड वी फ्रॉम आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स, एंड वी बिलीव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल. थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच.